कक्षा एक विषय पर्यावरण, इसमें हम कर रहे थे पाठ 7 स्वस्थ शरीर एवं सफाई। तो इसका प्रश्न उत्तर हमने किए थे। आज हम इसका प्रश्न नंबर 2 यानी ख ग नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ अथवा ना में लिखें। ये 5 वाक्य है, इन 5 वाक्यों को पढ़ना है, इनको समझना है और आपको बताना है कि ये जो वाक्य है ये सही है या गलत। अगर सही है तो हाँ लिखना है, गलत है तो ना लिखना है। तो देखिए वाक्य नंबर 1 है, स्नान के बाद साफ तौलिए से शरीर को पोंछना चाहिए। यानी नहाने के बाद शरीर को साफ तौलिए से पोंछना चाहिए, हाँ या ना? तो देखिए, अगर हम गंदे तौलिए से पोंछेंगे हमारा शरीर, तो वो गंदगी हमारे शरीर पर चिपक जाएगी। इसलिए नहाने के बाद हमेशा साफ तौलिए से शरीर को पोंछना चाहिए। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? हाँ। क्या हो जाएगा? हाँ। फिर नाक के अंदर की झिल्ली बहुत कोमल होती है। नाक के अंदर जो हमारे झिल्ली होती है वो क्या होती है, कोमल या कठोर? तो कठोर तो हो नहीं सकती, तो कोमल झिल्ली कौन सी होती है? कोमल होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? हाँ। तीसरा वाक्य, सभी अंगों की नियमित सफाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या आया हुआ है? नहीं। सभी अंगों की नियमित सफाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये वाक्य गलत है। हमें हमारे अंगों की नियमित सफाई करनी चाहिए, जैसे आंख हो गई, नाक हो गया, कान हो गए, ब्रश करना चाहिए सुबह शाम। यानी प्रतिदिन हमें प्रत्येक अंगों की क्या करनी चाहिए? सफाई करनी चाहिए। ये वाक्य क्या है? गलत है। तो हम इसके सामने क्या लिख देंगे? ना। क्या लिख देंगे? ना। फिर है, नाक में अंगुली डालनी चाहिए। अब नाक में क्या होती है? गंदगी होती है। क्या होती है? गंदगी। हम नाक में कोई अंगुली डाले तो गंदगी उसके अंगुलियों पर चिपक जाएगी, और हम उसको शरीर से मुंह पोंछते हैं, आंखें पोंछते हैं, तो गंदगी हमारे आंखों में चिपक जाएगी। तो इसलिए नाक में अंगुली नहीं डालनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ना। अगर आपको नाक साफ भी करना हो तो पास में एक सफ़ेद, साथ में आपको क्या रखना चाहिए? रुमाल, जिससे आप अपना नाक को साफ कर सकें। और अंतिम में, सोने से पहले दांतों की सफाई अवश्य करनी चाहिए। देखो, ब्रश 2 बार करना चाहिए, एक सुबह उठने के बाद और एक रात को सोने से पहले, यानी खाना वाना खाने के बाद। ये लिखा है सोने से पहले दांतों की सफाई अवश्य करनी चाहिए, ये लिखा है। हाँ। ये 5 वाक्य हैं, इनको आपको कॉपी में लिखना है, याद करना है। पहला था, स्नान के बाद साफ तौलिए से शरीर को पोंछना चाहिए, तो हाँ। नाक के अंदर की झिल्ली बहुत कोमल होती है, हाँ। सभी अंगों की नियमित सफाई नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो वाक्य क्या हो जाएगा? गलत, यानी ना लिख दिया।